जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैन्यू। के रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लाडलो आप सभी को, मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी का जो हमारी एकेडमी का परिणाम है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप वीडियो तो बहुत देखते हैं कमांडो एकेडमी के, लेकिन आपको इसके परिणाम भी देखने चाहिए कि हमारी एकेडमी का परिणाम कैसा है। साथ ही एक चीज और बता दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं फोटो दिखाने वाला हूं, इन सभी बच्चों की 100% गारंटी लेता हूं कि ये हमारी एकेडमी के हैं। आप इनमें से किसी का भी दावा पेश कर सकते हो कि सर आप इसका वीडियो दिखाओगे, तो उसी बच्चे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट अगले दिन ही पोस्ट कर सकता हूं, हर एक बच्चे का, ठीक है। क्योंकि कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट जब लगाई थी कि हमारी एकेडमी में 40 से प्लस एसएससी जीडी के सिलेक्शन देने वाली हिंदुस्तान की एकमात्र एकेडमी है। अगर आप ऑनलाइन की बात करते हो तो ऑनलाइन पर कोई भी स्टूडेंट किसी एक टीचर से नहीं पढ़ता, जो दूसरों से पढ़े हैं वो हमारे से भी पढ़े हैं, और जो हमसे पढ़ रहे हैं वो दूसरों से भी पढ़ सकते हैं। तो उसमें हम दावा नहीं कर सकते। हमारे से भी मान लो एसएससी जीडी के बेच में लगभग 20,000 प्लस बच्चे तैयारी कर रहे थे। अब उनमें से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, फोन करके भी बोलते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हम उस बेच में थे, सिपाही बेच में थे, लेकिन उनको हम अपना क्रेडिट पूरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद की मेहनत भी किया, लेकिन अकेडमी से जो भी छात्र लगता है उसके पीछे पूरी हमारी मेहनत रहती है, उसके पीछे हम रात दिन पढ़ते हैं, ले लट पढ़ते हैं। और साथ में वो बच्चे वो है जिनके परसेंटेज 40%, 42%, 45%, किसी के 50, इससे ऊपर वाले बच्चे एकेडमी में नहीं आते, वो खुद सेलेक्टेड ही करते हैं। जो भी बच्चे हैं इनमें आपको किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। इन सबके वीडियो फोटो जो आपको चाहिए सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हूं मैं, ठीक है। तो ये मन में संदेह मत रखना। साथ ही पूरे बच्चों की भी फोटो हैं और फाइनल वीडियो आना बाकी है। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल से ही कमेंट बॉक्स में शुरू हो गए कि सर आप बताओ, तो हम बाकी बच्चों की भी रिजल्ट की पुष्टि कर रहे हैं। कुछ बच्चों का विद हेल्ड में भी रिजल्ट रुक गया, तो उनकी भी पुष्टि कर रहे हैं। बाकी आपको बताएंगे, उनसे हो सकेगा तो मिलवाएंगे। वीडियो में पूरे बच्चे नहीं आने के पीछे रीजन, जैसे कुछ बच्चे बंगाल के हैं उनके यहाँ आने में कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते हैं, बिहार के उनके भी 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, बंगाल से उड़ीसा झारखंड यहाँ के भी बच्चे हैं, तो इसलिए उनको परेशानी नहीं हो। बाकी उन सभी के शॉर्ट वीडियो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर डाल ही रहा हूं, वन बाय वन आपको डालते रहेंगे, आप गिनते रहना, ठीक है लाडलो। तो अकेडमी का परिणाम आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए एसएससी जीडी 2022 की जो भर्ती थी, अभी जिसका रिजल्ट आया 2023 में, अगर हम उसकी बात करें, कमल ये हरियाणा का रहने वाला लाडलो, और इसको फोर्स कौन सी मिली है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें लिखा होगा इसको सीआईएसएफ मिली है, फोर्स अलॉटमेंट लिखाया हुआ है, हाँ इसे आगे लिखी हुई, उसकी कमल की नहीं लिखी, उसमें सीआईएसएफ मिली है। शिवम सिंह ये भी पंजाब से है, सीआरपीएफ मिली है, ठीक है। इनकी वीडियो भी बता देंगे साथ में, पूरी फोटो भी प्रूफ भी दे देंगे आपको अगर शक हो संदेह हो तो। विश्वजीत बीएसएफ मिली है, इसका तो पिछली लाइव में भी देखा होगा, एक फेमस हुआ था डायलॉग बोला था वो, देख लो पड़ोसियों, तो देख लो पड़ोसियों फाइनल सिलेक्शन लेके बेटा भाई बीएसएफ मिल गई है, बहुत जल्द वर्दी में नजर आएगा ये, ठीक है। यूपी से राकेश कुमार मीणा राजस्थान से, इसको बीएसएफ मिली है, आपने इसका शॉर्ट वीडियो भी देख लिया होगा हमारे चैनल पे। राजेंद्र नाथ सीआईएसएफ में, इसका इससे पहले रेलवे ग्रुप डी में भी सिलेक्शन हो गया है, ये भी राजस्थान से, रेलवे ग्रुप डी में भी इसका सिलेक्शन है, और एसएससी जीडी में सीआईएसएफ इस लाडवे को मिली है। राजेंद्र नाथ रूपेश कुमार, इसको मिली है लाडलो सीआरपीएफ। योगांग शर्मा, इसका भी कल आपने वीडियो देख लिया होगा, साथ में शर्मा जी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, वो भी इन्होंने बता दिया था कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपनी जर्नी भी बताऊंगा, तो वो भी इनकी जाके देख लेना, ठीक है। योगांग शर्मा या शर्मा जी करके कुछ है भाई, देख लेना, ठीक है। तुषार, इसका सिलेक्शन हुआ लाडले का सीआरपीएफ में। गौरव थेपलियाल, ये है उत्तराखंड का, इसका वीडियो भी आपने देख लिया होगा, और लाडले को बीएसएफ मिली है, रहने वाला है उत्तराखंड से, ठीक है। रणवा विक्रम आईटीबीपी मिली है राजस्थान से। अजय देव सिंह सीआरपीएफ मिली है, ठीक है, ये शायद यूपी या हरियाणा का रहने वाला है लाडला, ठीक है। अजय देव सिंह कमेंट में बता देना भाई कहां का रहने वाला है, ताकि इनको विश्वास भी हो जाए, ठीक है। कहां का रहने वाला तो खुद ही बता देना, अपनी आईडी से कमेंट कर देना नीचे कि मैं यहां का रहने वाला हूं सर जी, ठीक है। लोकेश सिंह राठौड़ राजस्थान से है, सीआरपीएफ मिली है।
और हाँ ध्यान रखना, इनका मेडिकल वेडिकल भी सब हमने ही किया है, टोटल फिट है। मेडिकल भी गारंटी थी कि मेडिकल अनफिट हो गए तो होंगे ही, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। जिन भी बच्चों का मेडिकल किया हमने, इस बार मेडिकल बेच के शुरू किया था, जिन भी बच्चों का मेडिकल किया था उनकी 100% गारंटी ली थी, और आज भी उन बच्चों में से कोई भी दावा नहीं करता सर आपने फिट बताया था, यहाँ पर अनफिट हो गया। अगर ऐसा होता है तो हम उसको अगला माध्यम भी बताते हैं कि आप इस प्रकार से कार्रवाई कर लो, ठीक है। खंबाला विजय भाई खीमा, इसको लाडले को मिली है सीआईएसएफ, गुजरात का रहने वाला है, क्योंकि खंबाला विजय भाई से समझ में आ रहा है कि गुजरात का ही रहने वाला है लाडला। विभत रोई, इसकी अभी विथ हेल्ड में रिजल्ट रोका गया है फिंगरप्रिंट्स के कारण, 100% सिलेक्शन है, कोई संदेह नहीं, कट ऑफ से कम 30 नंबर ज्यादा है, बंगाल का रहने वाला है। महावीर सिंह राजस्थान का रहने वाला है, सीआईएसएफ मिली है इसको लाडले को, इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। विकास गोदारा राजस्थान का रहने वाला लाडला। पायल छिपाड़ा बीएसएफ मिली है, इसका पहले सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, एसएससी जीडी में नहीं है ये, इससे पहले बीएसएफ ट्रेडमैन में सिलेक्शन है इसका। मंजीत, इसको सीआईएसएफ मिली है, ये एसएससी जीडी 2022 वाला सिलेक्शन है, इसकी ज्वाइनिंग अभी हुई थी, मैंने बताया था इसके लिए केस हुआ था, इसका क्या हुआ था, यहाँ डीएनएस का पॉइंट दे दिया था नाक में, अभी सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग अब किए लाडले ने, इसको डीएनएस का पॉइंट दे दिया था नाक में, जिसको बाद में केस लड़के क्लियर करवाया गया था और फाइनली सिलेक्शन इस लाडले ने ले लिया था। ईशु कुमार, इसका भी विथ हेल्ड में अभी रिजल्ट रुक रखा है लाडलू, इसका अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है कि कौन सी फोर्स मिलेगी विथ हेल्ड में फिंगरप्रिंट चेक होने के बाद में, ठीक है। और अगले आप हो सकते हैं, इसके अलावा भी मैं आपको कम से कम 15 फोटो अगले वीडियो में साझा करूंगा, क्योंकि उनमें से कुछ बच्चों के विथ हेल्ड में है, बाकी की हम थोड़ा पता भी जांच भी कर लेते हैं, पूरी पड़ताल कर लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये वही बच्चे हैं जो अकेडमी के, अकेडमी के अलावा बच्चा नहीं है इनमें, तो इनकी गारंटी है, समझ गए बात को। बाकी ऐसे नहीं कि किसी की लगा दो, ऑनलाइन पर तो सबसे पढ़ते हैं, एक बच्चा जो मेरे से पढ़ने वाला हो, 10 टीचरों की क्लास लेते हैं तो उनका दावा करने से फायदा नहीं है। जो फेमस है उसका सबका नाम ले लेगा कि ये इन टीचर से पढ़िए, बोले गणित उन टीचर से पढ़िए, करंट जीके उनसे पढ़िए, सबका नाम ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। इनका दावा है, अगले आप हो सकते हैं, एसएससी जीडी का गारंटेड बेच अभी से शुरू है, अगर आपको ज्वाइन करना तो एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली पुलिस का बेस चल रहा है सेपरेट, और एक एसएससी जीडी और आर्मी के, तो इनमें से किसी बेस में अगर आपको आना तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं हमारी अकेडमी। जय हिंद भारत।